तो आज हम आपके लाए डिज्नी के टॉप 10 बेहतरीन एनिमेटेड मूवीज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे एनिमेटेड मूवीज का काउंटडाउन। तो हमारी लिस्ट में से नंबर 10 पर आती है मोआना। कैसा हो अगर आप जिस शहर में बचपन से रह रहे हो उस शहर की खाने की चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हो और वह शहर धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा हो, तो इस मूवी की भी कहानी कुछ इसी तरह दिखाई गई है। जहां एक कबीले की समुद्र की सारी मछलियां खत्म हो गई है और वह द्वीप धीरे धीरे काला होता जा रहा है। अब इनके द्वीप को बचाने के लिए एक साहसी लड़की निकल पड़ती है बहुत ही खतरनाक सफर पर। उसे इस द्वीप को बचाने के लिए बहुत ही खतरनाक समुद्र पार करके मावी को ढूंढना होगा और उसके साथ मिलकर देवी फीति का दिल, जो मावी ने बहुत साल पहले चुराया था, उसके साथ मिलकर उसे उसी जगह पर रखना होगा। अब ये इतने खतरनाक समुद्र को पार कर पाती है नहीं और मावी को ढूंढ पाती है नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी में देखने को मिलेगी और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 out of 10। नंबर 9 पर आती है फ्रोजन। इस मूवी के 3 पार्ट्स और तीनों भी पार्ट्स हिंदी में डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है दो बहनों की जिनका नाम होता है एल्सा और एना, और वह दो बहनें एरेंडियल राज्य के राजकुमारियां है और एल्सा के पास एक सुपर नेचुरल पावर अवेलेबल होती है जिसकी मदद से वह बर्फ का कुछ भी बना सकती है और किसी को भी बर्फ में बदल सकती है। मगर एक दिन वह गलती से पूरे एरेंडियल राज्य को ही बर्फ में बदल देती है और उस राज्य से चली जाती है। अब एना उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब एना उसे ढूंढ पाती है नहीं और एरेंडियल राज्य फिर से नॉर्मल हो पाता है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही हाई क्वालिटी के एनिमेशन के साथ ये मूवी हिंदी में डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली 7.4 out of 10। नंबर 8 पर आती है टैंगल्ड। हो सकता है मैंने नाम ठीक से नहीं लिया हो, तो इस मूवी का नाम थोड़ा मुश्किल है। तो इस मूवी के 2 पार्ट है और 2 पार्ट भी हिंदी में डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जिसका नाम होता है रैपंज़ेल और वह एक राज्य की राजकुमारी होती है। मगर एक बूढ़ी डायन उसे उसके राज्य से बचपन में उसका अपहरण कर लेती है और उसे एक टावर में लाकर संभालने लगती है क्योंकि उसके बालों में एक जादुई शक्ति होती है जिसकी मदद से वह बूढ़ी डायन फिर से जवान हो सकती है। अब रैपंज़ेल काफी बड़ी हो जाने के बाद वह उस टावर से बाहर जाना चाहती है मगर वो बूढ़ी डायन उसे उस टावर से बाहर जाने नहीं देती। अभी इस टावर से बाहर निकल पाती है नहीं और उसके माता पिता को मिल पाती है नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही हाई एनिमेशन के साथ ये मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.7 out of 10। नंबर 7 पर आती है कोको। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक लड़के की जिसका नाम होता है मिगेल और वह उसके दादाजी के द्वारा एक मशहूर सिंगर बनना चाहता है मगर उसकी फैमिली उसे कभी गाने ही नहीं देती क्योंकि संगीत के चलते उसके दादाजी ने उनके परिवार को छोड़ दिया था और उसके बाद वह फैमिली जूते बनाने का काम करने लगी। मगर एक दिन अचानक मिगेल लैंड ऑफ द डेड में पहुंच जाता है जहां पर सारे मरे हुए लोग रहते हैं। अब मिगेल वहां से निकल पाता है या नहीं और उसका सिंगर बनने का सपना पूरा हो पाता है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.4 out of 10। नंबर 6 पर आती है द गुड डायनासोर। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है आर्लो की और उसके पिता हाल ही में एक बाढ़ में बह जाने से मर चुके हैं और एक दिन आर्लो एक जंगली लड़के की वजह से नदी में गिर जाता है और बहते बहते उसके घर से काफी दूर आ जाता है और वह उसके बाद उसके घर का रास्ता ही भूल जाता है। अब यह उसके घर का रास्ता याद कर पाता है या नहीं और उसकी फैमिली को फिर से मिल पाता है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.7 out of 10। नंबर 5 पर आती है अ बग्स लाइफ। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एंट्स की जो हर साल खाना जमा करती है बारिश आने से पहले उनका और ग्रास हॉपर्स का। मगर उन एंट्स में एक ऐसी एंट होती है जो नए नए आविष्कार बनाती रहती है मगर उसके इस आविष्कार की वजह से उन एंट्स का जमा किया हुआ खाना पूरी तरह नदी में गिर जाता है। अब ग्रास हॉपर को खाना न मिलने के कारण इन एंट्स को बारिश आने से पहले 2 गुना खाना जमा करने को कहते हैं। अब ये एंट्स इतना सारा खाना जमा कर पाते हैं या नहीं और इनके साथ आगे क्या क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.2 out of 10। नंबर 4 पर आती है बोल्ट। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक डॉग की जिसका नाम होता है बोल्ट और उसे लगता है कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स अवेलेबल है मगर असल में वह एक टीवी शो में काम करता है और यह बात उसे पता ही नहीं होती और उस टीवी शो में वह अपनी मालकिन को खतरनाक विलन से बचाने का काम करता है। मगर एक दिन अचानक वह एक बॉक्स में चला जाता है और वहाँ से वह न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। अभी फिर से उसकी मालकिन को मिल पाता है या नहीं और इसके साथ आगे क्या क्या होता है, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.8 out of 10। नंबर 3 पर आती है बिग हीरो 6। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक लड़के की जिसका नाम होता है हीरो और उसे नए नए गैजेट बनाना बहुत ही पसंद होता है और एक दिन अचानक से उसकी भाई की मौत हो जाती है। अब हीरो और उसके जो भाई ने रोबोट बनाया था उसके साथ मिलकर यह पता लगाना चाहता है कि उसके भाई को किसने मारा और उससे उसकी भाई का
बदला लेना चाहता है। अब उस रोबोट के साथ मिलकर अब हीरो वह पता लगा पाता है या नहीं और उसके भाई का मौत का बदला ले पाता है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.8 out of 10। नंबर 2 पर है फाइंडिंग डोरी। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक अनोखी नीली मछली की जिसका नाम होता है डोरी, जो हर 10 सेकंड के बाद कही हुई बातों को भूल जाती है, मगर उसे इतना याद है कि वह बचपन में उसके माता पिता को खो चुकी है। अब वह अपने नए दोस्तों के साथ उसके माता पिता को खोजने के लिए निकल पड़ती है। अब उसे उसके खोए हुए माता पिता मिल पाते हैं या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.3 out of 10। नंबर 1 पर आती है प्लेन्स फायर एंड रेस्क्यू। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट भी है और वह भी डिज्नी प्लस पर हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक प्लेन की जिसे फायर फाइटर बनना होता है, मगर एक दिन जब वह उड़ रहा था तो उसे पता लगता है कि उसका इंजन खराब हो चुका है और वह उसे ठीक कराने के लिए उसके दोस्त के पास चला जाता है, मगर उसकी दोस्त उसे कहती है कि जो तुम्हारा जो वो पार्ट खराब हो चुका है उसे कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है। अब यह पार्ट उसे मिल पाता है या नहीं और उसका फायर फाइटर बनने का सपना पूरा हो पाता है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 5.9 out of 10। ऐसे ही बेहतरीन एनिमेशन मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मूवीज कॉल्ड को। तो मिलते हैं ऐसे बेहतरीन एनिमेटेड मूवीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।